सभी साथियों को मेरा नमस्कार। कृषि दुनियादारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं आम में फूल और फल झड़ने के मुख्य कारण क्या होते हैं और क्या इनके उपाय हैं, कैसे हमको आम की फसल की रखवाली करनी चाहिए जिससे अच्छी फसल हमको मिल सके। वैसे भी पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष फसल जो है बहुत अच्छी है, बशर्ते क्या है कि यदि मौसम ठीक रहा तो इस बार आम की फसल बहुत अच्छी रहने वाली है। तो जो साथी हमारे चैनल पर नए हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो आप लोगों तक आसानी से पहुंचते रहें। आम की फसल में फूल और फल झड़ने की समस्या बहुत बड़ी है। अक्सर देखने को आता है कि फूल तो अच्छा आता है, उसके बाद धीरे धीरे वो झड़ने लगता है। तो इसके क्या क्या कारण हैं इसको हम जानते हैं। द्विलिंगी पुष्पों की कमी, निषेचन में कमी, अपर्याप्त परागण, परागण में सहायक कीटों की कमी, यानी ये जो फूल होते हैं जिनको जो है या तो जो है द्विलिंगी पुष्पों की कमी होती है जिससे झड़ जाते हैं, निषेचन की कमी के कारण झड़ जाते हैं, पर्याप्त मात्रा में परागण नहीं हो पाता है इसके कारण फूल झड़ जाते हैं, परागण में जो सहायक कीट होते हैं जैसे मधुमक्खी वगैरह इनकी कमी होती है, परागण अच्छा नहीं होता है, फूल झड़ जाते हैं फसल आने के पहले ही। हार्मोन्स का असंतुलन, फूल आते समय कुछ हार्मोन्स का जो है सिक्रीशन होता है, अगर उनका असंतुलन हो जाता है तो उसके कारण भी फूल झड़ जाते हैं। फिर है पोषक तत्वों एवं नमी की कमी, पर्याप्त नमी ना होने के कारण भी फूल झड़ जाते हैं, इसलिए बाग में जो है अच्छी नमी बनी होनी चाहिए जिसके लिए आप मल्चिंग का भी प्रयोग कर सकते हैं नमी को बचाने के लिए। और पर्याप्त पोषक तत्वों को बहुत जरूरी रहता है देना जिससे हमारे फूल जो है झड़ना बंद हो जाते हैं। कुछ कीट हैं जिनके कारण उनके अटैक से जो है फूल झड़ने लगते हैं और कुछ बीमारियों के कारण भी। और सबसे बड़ी चीज है कि फूल आते समय या फूल आने के बाद अगर बरसात हो जाती है, ओले पड़ते हैं, तेज हवाएं चल जाती हैं तो इससे क्या होता है कि फूल झड़ जाते हैं। ये तो हो गई बात फूल झड़ने की। अब बात करते हैं कि फल कैसे झड़ते हैं। तो इसमें फल की झड़ने की मुख्य रूप से तीन अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था है पिन हेड अवस्था, यानी पिन हेड ये बहुत छोटी अवस्था होती है, जब इसको आसानी भाषा में कह सकते हैं कि जब फल जो है सरसों के दाने के आकार के बराबर हो जाते हैं तब फल झड़ने लगते हैं। दूसरी अवस्था है मार्बल साइज अवस्था, यानी मार्बल यानी कंचे के आकार, यानी मटर के दाने के साइज के जब फल बनते हैं उस समय फलों का जो है गिरना शुरू हो जाता है। तीसरी अवस्था है मैच्योर अवस्था, ये जो है मई जून में होती है, इसीलिए इसको जून ड्रॉप भी कहते हैं। तो ये तीन अवस्थाओं में जो है आम के फल झड़ने लगते हैं, जिनके मुख्य कारण है नमी की कमी होती है, परागण की कमी होती है, पोषक तत्वों की कमी होती है, फल आने पर फास्फोरस बोरान पोटास की बहुत आवश्यकता होती है। तो जो साथी फसल ले रहे हैं आम की वो इस बात का जरूर ध्यान रखें। फिर है हार्मोन्स का असंतुलन, हार्मोन्स के असंतुलन की समस्या से निपटने के लिए NAA नेथलीन एसिड एसिटिक एसिड जो है उसका छिड़काव 2 से 4 ml प्रति 10 लीटर पानी में घोल करके जो है दो अवस्थाओं में आपको छिड़काव कर देना चाहिए। पहला इस पे जो है पिनहेड के दौरान और दूसरा जो है मार्बल स्टेज के दौरान इसका छिड़काव कर देना चाहिए जिससे आप जो है आम के फसल में फल गिरने से आप इसको बचा सकते हैं। कुछ कीट और बीमारी जैसे हापर्स है, मथुआ है, मिली बग है और रोग है एंथ्रोनोज है, पाउडरी मिल्ड्यू है, इनकी वजह से जो है फल झड़ने शुरू हो जाते हैं, जिनका किसान भाई विशेष ध्यान रखें, जिसके उपाय के लिए आप कुछ दवाओं का प्रयोग कर सकते हैं। तो जो किसान भाई आम की फसल ले रहे हैं वो इन सब बातों का काफी ध्यान रखें जिससे आपको अच्छी फसल मिल सकती है। जो पिछले वर्ष की अपेक्षा इस साल फसल बहुत मजबूत है। तो जो किसान भाई हमारे चैनल पे नए हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको और लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।